पाकिस्तान के बुरे दिन कभी खत्म नहीं हुए हैं, मगर इनमें और तेजी उस वक्त आ गई जब सेना ने फंटर और अनाड़ी इमरान खान को जाहिलों का पीएम बना दिया। साल 2018 से इमरान के सत्ता में आने के साथ ही मदरसा मुल्क पूरी दुनिया में मजाक का पर्याय बन गया है। अब इस देश को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। विश्व बैंक से लेकर मूडी तक सभी का इस देश ने मूड खराब करके रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ भी जाहिलों के मुल्क से आजीज आ चुकी है और उसे अभी तक गरीब सूची में बरकरार रखा है, परंतु पाकिस्तान के ब्लैकलिस्ट में जाने की पूरी उम्मीद बन चुकी है, जिसका फैसला मार्च अप्रैल में एफएटीएफ की बैठक में हो जाएगा। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने में विफल रहा है और आतंकवाद के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। मदरसा मुल्क के साथ ही उसके भाई तुर्की को भी ग्रेज लिस्ट में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों देशों को विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच गई है और दोनों ही देशों पर ईसाई देशों का भारी भरकम कर्ज चढ़ा है। तुर्की जहां 110 अरब डॉलर के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, वहीं तालिबान पर 115 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चढ़ा है। कर्ज के मामले में बराबरी पर चल रहे जाहिलों के मुल्क अब एफएटीएफ की ग्रे सूची में भी एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं। तुर्की का ग्रे सूची में शामिल होना पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में जाने से बचाने के लिए तुर्की और चीन ने सबसे ज्यादा जोर लगाया है। पहले मलेशिया भी खूब टोपी उछाला करता था, मगर भारत के एक्शन के बाद उसने तसरीफ मटकाना छोड़ दिया। अब चीन और मंगोलिया ही बचे हैं जो मदरसा मुल्क का साथ दे रहे हैं, पर उनकी दिक्कत यह भी है कि पाकिस्तान को अगर ब्लैकलिस्ट से बचाना है तो उसे कम से कम 3 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, जो फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। ऐसे में भारत ने तुर्की को भी ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठा दी तो इन छिछोरे मुल्ला देशों के तहमत सुखाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मोदी से उलझने का अंजाम तुर्की को हासिल हो गया है। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने तो कश्मीर मुद्दे से टांग खींचकर इस विषय पर बकलोली ही बंद कर दी है। अब एर्दोगन को भी यही डर सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान के साथ तुर्की को भी ब्लैकलिस्ट करने की आवाज ना उठ जाए, जबकि पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि एफएटीएफ पर भारत के दबाव की वजह से उसकी पुंगी बजाई गई है। हालांकि कल ही एफएटीएफ अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और तुर्की को ग्रे सूची में रखने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। यह भारत के दबाव में उठाया गया कदम नहीं है। मतलब साफ है कि भारत की ताकत इन दोनों देशों को साफ साफ नजर आ रही है, पर सबसे ज्यादा तुर्की की फटी पड़ी है, जिसने कश्मीर से तौबा करके अपने होठ तक सिल लिए हैं। पाकिस्तान को अब दिन में तारे नजर आ रहे हैं। वह बहुत कोशिशों के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर की नकेल नहीं कर सकता है। ऐसे में इस बार उसके ऊपर ब्लैकलिस्ट की तलवार साफ साफ लटकती दिख रही है। उसके पास महज 4-5 महीनों का वक्त बचा है, इसलिए जो कार्य वह 3 साल में नहीं कर पाया वह इतने कम समय में पूरा कर पाएगा, इसकी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है। एफएटीएफ की काली सूची आर्थिक रूप से तंग और नकदी की कमी वाले पाकिस्तान के लिए सजा का एक बेहद कठोर कदम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बाहरी दुनिया से उसे जो थोड़ी बहुत मदद मिल पा रही है वह भी एक झटके में रुक जाएगी, यानी इमरान का मदीने की रियासत कमीने की आफत में तब्दील हो जाएगा। इसलिए गेंद पूरी तरह इमरान के पाले में पड़ी है, मगर इमरान आतंकवाद की चड्डी पहने घुड़चड़ी की तैयारियों में व्यस्त है, जहां तालिबान का जश्न 3 महीने बाद भी जारी है। यूं भी पिछले 3 साल से इमरान लोंडा मदरसा पैदाइश की छाती पर मूंग रगड़ने का कोई दूसरा घोटा नहीं पेल सका है। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को ब्लैकलिस्ट का तोहफा देना बाकी रह गया है। इंशा अल्लाह अगले साल ही नया तोहफा भी प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।